नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना संकट के दौर में मजदूरों से किराया वसूलने को लेकर के कांग्रेस ने जो दांव चला था वो काम कर गया। बहुत दिनों बाद कांग्रेस को मुद्दा हाथ लगा था, सरकार की भद्द पिटी। उसके बाद तो ऐसा दौर शुरू हुआ कि बयान आने लगे, लिपापोती उस पर की जाने लगी। दरअसल पिछले दिनों गृह मंत्रालय ने राज्यों की मांग पे मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया। उसके परसुएशन में जो रेल मिनिस्ट्री ने आदेश जारी किया उसमें साफ साफ कहा कि जो राज्य हैं उनके कहने पे ये ट्रेन चलाई जाएगी और राज्य ही बल्क में वो टिकट लेंगे। उसमें किराए के बारे में साफ साफ कह दिया गया कि किराया, चूँकि स्लीपर ट्रेन नहीं चल रही है, प्लस ₹30 सुपरफास्ट चार्ज प्लस ₹20 एडिशनल चार्ज, उसमें कहीं भी ये क्लियर नहीं किया गया कि ये किराया कौन देगा। चूँकि निजी तौर पे टिकट मिल ही नहीं रहा है, इसलिए ये बात मानी गई कि राज्य जो है सीधे टिकट खरीदेंगे और उसके आधार पे राज्य ही ये छांटेंगे कि किन मजदूरों को, किन पिलिग्रिम्स को, किन तीर्थयात्रियों और छात्रों को कहां से कहां तक पहुंचाना है। यानी दोनों राज्य मिलकर के ये तय करेंगे, जिस राज्य में होंगे और जिस राज्य के वो निवासी होंगे। बट उसके बाद असल मसला ये था कि इनका किराया कौन देगा, इस पे सब चुप थे। पिछले सैटरडे से इस पे रार मची हुई थी, मजदूरों का किराया कौन देगा। आज जैसे ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि उनकी बार बार मांग के बावजूद जो है सरकार मजदूरों के किराए पे देने को तैयार नहीं है, 151 करोड़ रुपया रेलवे ने पीएम केयर फंड में दे दिया, 100 करोड़ रुपया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने पे स्वागत में खर्च कर दिया गया, और वो सरकार जो कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है या मौन साधे हुए हैं कि हम मजदूरों का किराया नहीं दे सकते, और साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा कि जब आप विदेशों से लोगों को यहाँ बुला था अपने लोगों को तो आपने फ्री में फ्लाइट भेज करके उनको बुलाया, और जो हमारे हाथ पैर हैं जो काम करते हैं उन मजदूरों का किराया देने के लिए जो भूखों मर रहे हैं उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है उस पर सरकार मौन है। इसके बाद तो ऐसा तूफान मचा, सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी सामने आए, उन्होंने तत्काल रेलवे मिनिस्टर के ऑफिस में बात की और उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल जो है किराया सरकार ही देगी। उन्होंने उससे पहले ट्वीट कर दिया था और सरकार की लानत मलानत की थी कि ये कैसा अप्रोच है। इसके बाद सरकार की तरफ से यानी कि रेल मंत्री की तरफ से या रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया। आया कौन सामने, तो बीजेपी मीडिया सेल के जो प्रमुख है अमित मालवीय, वो सामने आए कि हम कहाँ किराया ले रहे थे, 85% रेलवे दे रहा था, 15% राज्य को देना है, कांग्रेस राजनीति न करे, अपने मुख्यमंत्रियों से कहे कि वो 15% बियर करे। देखिए, कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन है, उसमें भी जहां जहां पर प्रवासी मजदूर हैं, राज्यों के रिक्वेस्ट पर रेलवे ने तय किया कि उनको ट्रेन देंगे। एक ट्रेन में 1200 लोग आते हैं और वो राज्य सरकार तय करती है कि उसमें कौन बैठेंगे, और उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि 85% जो खर्चा है वो केंद्र उठाएगा, 15% राज्य सरकार देंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उधर जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, दोनों सामने आए कि हम किराया देंगे तो हम किराया देंगे, लेकिन उसके पहले कोई नहीं बोल रहा था कि किराया कौन देगा, सब मौन धारण किए हुए थे। इसी बीच में अखिलेश यादव भी कूदे, उन्होंने कहा कि तो अमीरों की सरकार है, अमीरों की चिंता करती है, गरीबों की कहाँ चिंता करती है, और सूद वसूलने का काम, मुनाफा कमाने का काम सूदखोरों का होता है, सरकार का थोड़े होता है, सरकार का तो गरीबों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ताजुब की बात यह है कि अभी तक एक तो सरकारी बयान नहीं आया। बहरहाल अमित मालवीय ने बोल दिया, बीजेपी की तरफ से बोल दिया, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे कि हमारी रेलवे मिनिस्ट्री में बात हुई है, तो 85 और 15 का फार्मूला निकला है कि रेलवे मंत्रालय जो है 85% बियर करेगा और 15% राज्य सरकार बियर करेगी। लेकिन इस बीच में जो मजदूर किराया दे चुके हैं वो क्या उनका पैसा लौटाया जाएगा? अब देखिए, जो नासिक से भोपाल के लिए ट्रेन चली थी उसमें मजदूरों से किराया वसूला गया था, और उसमें आप शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि हम किराया बियर कर लेंगे, देंगे, तो उनका पैसा क्या ढूंढ ढूंढ करके मजदूरों को आप लौटाएंगे? एक सोशल मीडिया पे अभिषेक सिंह लिख रहे हैं टिकट के साथ में कि जो श्रमिक ट्रेनें चल रही हैं उनके स्लीपर क्लास का 500 किलोमीटर के लिए न्यूनतम किराया ₹350 है और 1886 किलोमीटर के लिए ₹740 है।
अब अगर किसी श्रमिक का चार लोगों का परिवार वापस गांव जाना चाहता है तो 2960 रुपए खर्च करने होंगे उसको। जो मजदूर 50 दिनों से बिना काम के महानगरों में फंसा हुआ है उसके पास 2960 रुपए कहां से आएंगे? ये किसी पीयूष गोयल को सोचने की जरूरत नहीं है। अगर 1200 मजदूरों को 2000 किलोमीटर ले जाना है तो ये खर्च करीब 10 लाख का खर्च आएगा। रेलवे मंत्रालय ने 150 करोड़ रुपया पीएम केयर में दान किया, इतने पैसे में 1500 ट्रेनें चलाकर कम से कम 18 लाख मजदूरों को उसे घर पहुंचाया जा सकता है, लेकिन मजदूरों की किसे पड़ी। और इसमें उन्होंने टिकट भी दिया है जो कि बसई रोड से गोरखपुर के लिए 740 रुपये साफ साफ इसमें दिख रहा है। आप कह रहे हैं कि हम तो मजदूरों से ले ही नहीं रहे थे। कुल मिला जुला करके कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है और उसी कम्युनिकेशन गैप का, उसी अनिर्णय का ये फायदा उठा करके इस पे राजनीति हुई। और राजनीति होने के बाद अब सरकार जो है कह रही है, सरकार क्या, सरकार की तरफ से बीजेपी कह रहे हैं कि हम किराया देंगे। चलिए देखते हैं किराया देते हैं इसके बाद अभी इस पे कौन कौन सी राजनीति होती है, आएगा फार्मूला निकल करके। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।